हेलो भाइयों, मैं दीपक, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको देख रहा होगा, हम बताने की जरूरत है ही नहीं, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न जो न्यू एडिशन आया है 2021, उसका करेंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड रिव्यू। तो हम इसमें बात करेंगे क्या क्या आप इसमें नए नए चेंजेस मिले हैं, रॉयल इनफील्ड ने क्या क्या इसमें सुधार लाए हैं, एंड अपनी जो क्लासिक सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट होने वाली वेरियंट बाइक में क्या क्या एक्स्ट्रा ला दिया है, क्योंकि हर कंपनी अपनी बाइकों को अपडेट करती रहती है साल दर साल। तो रॉयल इनफील्ड ने इस बाइक को भी अपडेट करके न्यू क्लासिक वेरियंट लॉन्च कर दिया है। हम इसमें करेंगे इसकी सारे फीचर्स कवर, जिसमें हम बताएंगे कि क्या अलग है पिछली वाली बाइक से, एंड इसका एक परमानेंट कंपैरिजन हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे इस रॉयल इनफील्ड का जो क्लासिक वेरिएंट है उसके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यू बाइक्स के बढ़िया बढ़िया रिव्यू हम करते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। और उससे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा गाज़ियाबाद शिवा राइडर का, जो कि मेरठ रोड पर है, जिन्होंने हमें इस बाइक बनाने के लिए प्रोवाइड की बाइक एंड हमें अलाउ किया, एंड जल्द ही हम इसका राइड रिव्यू, जल्द ही हम इसका कंपैरिजन वीडियोज़ और अदर मार्केट में जो भी बाइक हैं एक्सेट्रा, जैसे कि लाइक जावा और होंडा हाइनेस जैसी बाइकों के साथ जल्दी ही इसका कंपैरिजन करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया बहुत ही बेस्ट बेस्ट वीडियो आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस बाइक का पूरा डिटेलेड वॉकराउंड रिव्यू। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फ्रंट से। तो जैसे कि फ्रंट पर आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ देखने में आपको चेंज नहीं लग रहा होगा। ये जो कलर है, पास से दिखा देता हूँ थोड़ा अभी के लिए मैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले इसका जो नीचे से लुक स्टार्ट करता हूँ, नीचे की तरफ देख रहे होंगे ये जो कलर है ये स्टेल्थ ब्लैक है, जो कि पहले भी सेम क्लासिक 350 में आया करता था। तो आपको लगी, आपको दिख रहा होगा कि ये दिखने में डिज़ाइन वाइज कुछ खास चेंजेस नहीं लग रहा होगा, बट मैं बता दूं इसमें जो पहले का डिस्क साइज़ था वो इससे थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, अब इसमें डिस्क का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, का जो एलॉय व्हील है वो पूरा वही स्टेल्थ ब्लैक है, रेड क्रोमिंग के मतलब रेड जो कलर की लाइनिंग है उसके साथ है, और 19 इंच का इसमें एलॉय व्हील देखने को मिलेगा। एंड टायर होगा ट्यूबलेस होगा, पहले भी इसमें जो एलॉय व्हील वाला वेरियंट है उसमें ट्यूबलेस टायर आया करते थे। तो ऊपर की तरफ मैं दिखा देता हूँ, टेलीस्कोप सस्पेंशन है, और इसमें जो इसके जो इंडिकेटर्स हैं हैलोजन बल्ब के साथ हैं, ये सेम पहले जैसे ही आते हैं। एंड ऊपर आप देखेंगे ये रही इसकी पायलट लैम्प में भी कोई चेंजेस नहीं है ये, हालांकि मुझे इससे उससे ज़्यादा थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड अब मैं नीचे लाइट की बात कर दूँ, इसमें जो इसकी लाइट है हैलोजन बल्ब सेटअप के साथ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट नाइट में प्रोवाइड करवाती है आपको। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता हूँ, ऊपर की तरफ मैं इसमें साइड का थोड़ा सा लुक दिखाऊँगा। तो साइड का मैं लुक की बात करूं तो इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। तो ये इंजन आप देख ही रहे होंगे, जाना पहचाना ही लग रहा होगा। इंजन जो है ये मीटियोर वाला है, वही सेम पहले वाला इंजन यूज़ करा हुआ है। तो आपने मीटियोर में देखा ही होगा, वही जे शेप वाला इंजन आता है, 350 cc में इंजन है, जो जनरेट करता है 20 bhp एंड 27 nm पीक टॉर्क है। इसमें आपको मिलेंगे 5-speed गेयरबॉक्स एंड एयरकूल्ड इंजन रहेगा, पूरी तरीके से BS6 रेडी है। हालांकि मार्केट में सारी बाइकें जो हैं वो BS6 ही आ रही हैं, हालांकि रॉयल इनफील्ड ये देख लीजिएगा सेम पहले वाला क्रोमिंग में आपको बैजिंग मिलती है रॉयल इनफील्ड की, एंड इसके अंदर इंडिकेटर जो मिलेंगे वो वही हैलोजन बल्ब वाले मिलेंगे। एंड नीचे की तरफ देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी वही डुअल चेसी जो मीटियोर में यूज़ करी गई है। अब मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, तो पीछे की तरफ आपको पीछे का डिज़ाइन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है। ऊपर देख रहे होंगे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है, वाइट कलर के स्टिकर हैं, ये देख रहे होंगे रॉयल इनफील्ड। तो ये लाइट जो है मुझे बेस्ट पार्ट लगता है इस बाइक का, लाइट जो है इसके अंदर वो पूरी तरीके से गोल शेप में यूज़ करी गई है। हालांकि मीटियोर में भी गोल है, बट वो थोड़ी सी बाहर टेल लाइट टाइप में है, इसकी जो टेल लाइट है वो फिटेड है देख रहे होंगे। तो अंदर जो है वो हैलोजन बल्ब सेटअप है, साइड में इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, नीचे इसमें आपको नंबर प्लेट की ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आप नंबर प्लेट लगाएंगे। एंड वो ये उसके अलावा पहले भी इसमें इसी जगह नंबर प्लेट का ऑप्शन आता था, नंबर प्लेट की पोजिशिंग चेंज नहीं हुई है, पर और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर दिया है। डिज़ाइन के मामले में मैं रॉयल इनफील्ड की कहूँगा कि हाँ, रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब मैं बात कर लूँ इसके साइड के पीछे के डिज़ाइन की, तो देख रहे होंगे 18 इंच का एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है, एंड डिस्क का जो साइज़ है, हालांकि साइज़ क्या, रॉयल इनफील्ड की जो मीटियोर 350 आती थी वही वाला सेम डिस्क यूज़ करा गया है। इसके अंदर भी ABS आपको मिल जाता है, ये डुअल डिस्क विद ABS होगी। एंड वही देख रहे होंगे ऊपर की तरफ आपको जो इसके वो मिलते हैं स्प्रिंग सस्पेंशन, वो स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन होंगे। एंड इसका जो अब बात कर लेता हूँ
हूँ मैं एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, मैट कलर का एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। हालांकि स्टेल ब्लैक में हमेशा से ब्लैक कलर का स्टेल ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट आता है जो कि मैट में आता है। तो इसके अलावा जो है डिज़ाइन वो सेम ही रखा है, हालांकि कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, बट कंपनी ने जो डिज़ाइनिंग पे है वो सही काम किया है। एंड देख रहे होंगे यहाँ रेड कलर की लाइन के साथ क्लासिक 350 है। एंड ये जो है इसका टूल बॉक्स है, इसके अंदर ऊपर ही देख रहे होंगे चाबी का लॉक है, इसमें अंदर आप सेम चाबी यूज़ करेंगे जो आप इग्निशन में करते हैं। एंड ये देखिएगे निकाल सकते हैं इसी के अंदर अपना सामान। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे के एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट का देख रहे होंगे जो कर्व जा रहा है वो सीधा ऊपर से नीचे तक जा रहा है सेम शेप में। इस जगह जो पहले जो आता था इस जगह कैटलिक कन्वर्टर आता था, अब कैटलिक कन्वर्टर नहीं है यहाँ पे। हाँ ऑटो सेंसर ज़रूर है इसमें, ऑटो सेंसर अब भी इसमें लगा हुआ है। तो इसका जो डिज़ाइन आता है देख रहे होंगे कि अब जो लग रहा है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, और ज़्यादा डैशिंग और ज्यादा ऑसम इसमें देखिए। अब ऊपर का डिजाइन दिखा देते हैं, जैसे फ्यूल टैंक है, इसका जो मीटर है वो दिखा देते हैं। हाँ सबसे बड़ा चेंज, इसमें दो चेंज अभी रह गए हैं वो मैं भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ। सबसे बड़ा चेंज इसकी सीट, सीट आप देख रहे होंगे पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे लग रही है, लाइक मीटियोर में जो आती है बिल्कुल नीचे दबी हुई, इसमें थोड़ी सी ऊपर करके थोड़ा डिजाइनिंग में थोड़ा सा काम किया है रॉयल इनफील्ड ने। पीछे का देख रहे होंगे ग्रैबरिल है, ग्रैबरिल पे भी थोड़ा सा काम किया है, न्यू ग्रैबरिल लगा के भेजा है, बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन का। पहले जो आता था वो गोल्ड टाइप का लगभग आता था, एंड उसके अलावा उसकी गद्दी जो हुआ करती थी वो थोड़ी सी पतली एंड इतनी बड़ी गोल्ड टाइप की हुआ करती थी लाइक एक पिलो। एंड इसमें ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर सीट लग रही है पीछे की। एंड इसकी जो है दूसरी सीट वो काफ़ी अच्छे राइडर को मेरे हिसाब से तो फील करवाएगी, क्योंकि अभी जो मैं बैठा था मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पर फील हुआ। इनका जो कुशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि कुशन में मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि कुशन इसका पहले से ही बहुत अच्छा है, इस बाइक का कुशन जो है वो पहले से ही काफ़ी अच्छा है। तो अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते अब मैं बात करूँगा फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक कुछ चेंजेस नहीं है खास, थोड़ा सा चेंज है जो बाइक के लुक वाइज बाइक के डिज़ाइन वाइज आपको लग रहा है, बट बाकी का स्टेल ब्लैक सेम कलर दिया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। बीच में रेड लाइनिंग है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, साइड में सेम रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है, एंड पीछे एक आपको रबर बैंड मिल जाता है जो इसमें रबर पैड बोलते हैं, रबर पैड लगा हुआ होता है जिससे कि बंदा अगर शॉर्ट्स में बैठता है तो फ्यूल टैंक गर्म हो जाता है धूप से तो वो पैर जलेंगे नहीं। तो अब मैं इसमें दिखा देता हूँ इसका आपको मीटर थोड़ा सा ऑन करके पहिया से बोलूँगा, पास आ जाइए थोड़ा सा। ये आ चुका है सेमो डिजिटल मीटर, इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों टाइप के मीटर देखने को मिल जाएंगे। ये रहा इसमें ट्रिपो मीटर है, फ्यूल गेज के लिए है एंड कितनी चल चुकी है इस टाइप की स्पीड के लिए है। ऊपर एक आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता है जिसके अंदर इसको आप इस बटन से कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग मोड्स में। ये यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये है बटन, इसको अलग अलग मोड्स के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम भी दिखता है, फिर उसके बाद ट्रिपो ओडोमीटर आ जाता है, ट्रिपो मीटर आ गया, फिर उसके बाद इको टू ट्रिपो एफ। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ हैंडल बार जो आ रहा है वो पहले से थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर ये जो कर्व है थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, पहले वाली के अंदर थोड़ा सा कम कर्व हुआ करता था, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा कर्व आ गया है। अब मैं इधर दिखा देता हूँ, ये तो रहा इसके अंदर इसका पासिंग लाइट स्विच, एंड ये बटन मैंने आपको दिखा ही दिया था, ये है इसके मीटर को जो डिजिटल स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के लिए। नीचे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स ऑप्शन, और ये हॉर्न है, हॉर्न काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड अब चलते हैं दूसरी तरफ, इस तरफ ये रहा इसका सेल्फ इजीली स्टार्ट हो जाता है। अभी साउंड सुना दूंगा सही से, अब सुन लीजिए, साउंड में सुना देता हूँ। तो बोलूँगा भैया से आ जाइए। इसी के अंदर इंजन किल स्विच भी दे दिया गया है, इस तरफ से स्टार्ट हो जाती है इधर, और उधर की तरफ ये बंद हो जाएगी। तो अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, ये रहा इसके अंदर एक न्यू बहुत बढ़िया फीचर जो कि है हैजार्ड लाइट का। हैजार्ड लाइट जो है जो इसके अंदर दे दिया गया है, इसकी मदद से आप चारों इंडिकेटर्स एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस रोड के बीच में अगर आपकी बाइक बंद हो जाती है, पेट्रोल फ्यूल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पेट्रोल वगैरह तो प्रोवाइड हो ही जाएगा आसपास से, बट आप बीच रोड पे इसे जला के पीछे वालों को संकेत दे सकते हैं कि आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्लीज़ रास्ता दें बीच से निकलने के लिए, या फिर आप साइड में जब तक ना कर लें। तो मैं एक मिनट के लिए इसको बंद कर लेता हूँ, एंड अब आ जाते हैं इसके मीटर की तरफ। एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो मैं बताना भूल गया, रॉयल इनफील्ड के अंदर अब तक जो चीज़ नहीं आती थी, जो कि आती थी पहले, यहाँ पर इसका लॉक
हैंडल लॉक जो कि आता था पहले, इस जगह पर अब आने लगा है। यहाँ पहले आता था साइड में, नीचे की तरफ आपको दूसरी बार चाबी निकाल के लगानी पड़ती थी, अब इसमें यहीं आ गया है। तो ये फीचर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रॉयल एनफील्ड ने ये जो काम करा है बहुत ही बढ़िया काम करा है। एंड एक और छोटा सा चेंज है जो मैं दिखा देता हूँ, जो मैं पहले कवर नहीं किया, आई थिंक मुझे पहले ही कवर कर लेना चाहिए था, जो कि सबसे बढ़िया बड़ा चेंज है इसकी चेसी जो है वो पूरी चेंज कर दी गई है, जो सेम इंस्पायर्ड है मीटियोर 350 से, रॉयल इनफील्ड की जो मीटियोर है उससे इंस्पायर्ड है, वही चेसी सेम इसमें यूज़ करी गई है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रॉयल इनफील्ड, उसके अंदर सिंगल चेसी आती थी। एंड इसके अलावा ये जो हमारी न्यू चेसी, न्यू बाइक के अंदर जो न्यू फीचर्स अपलोडेड किए गए, न्यू फीचर्स डाले गए हैं, न्यू जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं इस बाइक के अंदर। आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम लेवल पे देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन लगभग सारा के सारा ख़त्म हो जाएगा, एंड वाइब्रेशन की कोई भी। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रंट पे लुक दिखा देता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक फ्रंट से ऐसी दिखती है। एंड इसके अलावा हम इस बाइक का रिव्यू, बाइक का कंपैरिजन, राइड रिव्यू बहुत ही जल्द करेंगे अपने चैनल पे। एंड इसके अलावा अगर आप उन वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एंड अपने कमेंट्स हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियो बना सकें। तो ये जैसा कि आपने अभी रिव्यू में देख लिया है तो स्टेल्थ ब्लैक है। अब आगे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कलर है सिग्नल सैंड रॉयल एनफील्ड का कलर, जो कि ओल्ड वाली में भी आता था और अब ये इसमें भी आता है न्यू में। और यहाँ देख रहे होंगे आपको, ये देखिए इतना बढ़िया सिग्नल्स का स्टिकर्स देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ऑसम बनाता है। एंड आगे की तरफ जहाँ हमारे फ्लैग का निशान आया करता था, वहाँ अब ये वाला निशान दे दिया है रॉयल एनफील्ड ने सिग्नल सैंड में। एंड उसके अलावा आगे चलते हैं, ये देखेंगे ये वाला कलर है गन मेटल ग्रे कलर है इसके अंदर, देख रहे होंगे ब्लू कलर में इसमें क्लासिक 350 में एक लाइन दे दी गई है जो इस पर और अच्छा बनाता है। ये वाला कलर है क्रोम, एंड क्रोम वाला कलर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंदर खड़ा हुआ है। एंड इसके अलावा हमारे पास एक दो कलर और हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक कलर ये वाला है जिसके अंदर देख रहे होंगे ब्लैक, जो पूरा ब्लैक आता है शाइनी में, नीचे की तरफ एक ग्रे कलर की, थोड़ा सा ग्रे नहीं है दूसरा कलर है उसकी लाइनिंग है। एंड उसके अलावा मरून कलर का एक स्टिकर है, बट ये स्टिकर लगा हुआ है उसके ऊपर ही रॉयल एनफील्ड है। एंड उसके अलावा हमारे पास इन कलरों के अलावा हमारे पास इस समय और कोई कलर नहीं है, हमारे पास चार कलर हैं, जो कि है एक ये, इसके बाद क्रोम, स्टेल्थ ब्लैक, गन मेटल ग्रे, एंड वहीं सिग्नल सैंड। बस ये पाँच कलर हैं इस समय। तो